Subscribe and click the bell icon for all the television updates. एक्चुअली मैं बड़ी एक्साइटेड क्योंकि ये हम काफ़ी देर से मैं एक सपना बना कर बैठा था कि ना कि मैं शादी करूँगा जब मैंने इनको प्रपोज किया था. सो वो टाइम करते 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 आज फाइनली वो डेट आ गई है कि कल हमारी शादी है. थोड़े घंटे कुछ बाकी रह गए हैं. सो ये फीलिंग वो है आई थिंक जिसकी शादी होती है वही समझता है. तुम बहुत यू नो ऐसा फील करते हो कि तुम्हारी नई लाइफ शुरू होने वाली है, नई जर्नी एक ऐसी जिसका तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं है वो कैसी होगी. बट विद यूविका आई कैन से दैट कि मेरी लाइफ आगे भी स्मूथ और ब्यूटीफुल होगी. सो आई लव यू. एवरीवन इज लाइक कांट इमेजिन सब डांस कर रहे हैं. आई कांट स्टॉप डांसिंग. इट्स अमेजिंग. आई मीन थैंक यू सो मच एवरीवन. हम लोग आज साथ में हैं बिकॉज ऑफ आवर फैंस और आप सब लोगों का प्यार. इट्स अनबिलीवेबल. आई थिंक वी आर ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार देने के लिए. और आई थिंक मेरे पास वर्ड्स नहीं है. आई एम जस्ट स्पीचलेस एंड आई कैन से थैंक यू गॉड एंड थैंक यू ऑल हम लोगों को इतना प्यार देने के लिए. इसी वजह से हम लोग यहाँ शादी के मुकाम तक पहुँचे. नहीं ओके. सो ही प्रपोज मी इन द बिग बॉस. सो बिग बॉस में जैसे मुझे प्रिंस ने प्रपोज किया था आई डिडंट नो कि मेरी लाइफ भी एक्चुअली ऐसे होने वाली है. आई थॉट टीआरपी के लिए थोड़ा कर रहा है ये. बट आई थिंक जब आप दिल से कुछ बोलते हो कई बार ऊपर वाला बैठ के आपकी लाइफ लिख रहा होता है. तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ. एंड यू कैन सी सेम पिक्चर जो वहाँ पर थी. सो दिस इज बिग बॉस के घर में हूँ ये मैं. और ये युविका जो मैंने को एक दिल का परौंठा बनाया था और प्रपोज किया था. सो दिस इज फॉर रियल. ये इन्होंने अपनी मेहंदी में. दिस इज युविका. कुछ नहीं. आई थिंक अपने दिल की सुनो हमेशा और जो तुम्हारा दिल हमेशा कहेगा वही सच है और वही सही होगा. क्योंकि दिमाग 10 तरफ जाता है पर दिल सिर्फ एक तरफ जाता है. और अगर दिल को कनेक्ट रखोगे अपने दिमाग से तो कभी गलत नहीं जाने देगा. और किसी का दिल ना तोड़ो, फीलिंग्स मत हर्ट करो और किसके साथ रहो, खुश रहो बस. थैंक यू.
ऐसा कलर है, आई थिंक आई थॉट मैं शादी के बाद तो काफ़ी टाइम तक नहीं पहन पाऊँगी, एंड वाइट इज़ माई फेवरेट कलर, सो आई थॉट टू स्टार्ट विद दिस लुक, एंड इट्स लिटिल हैवी, सो इफ आई एम टायर्ड आई एम गोना चेंज वन मोर लुक इनटू अनदर वन होपफुली, बिकॉज हैवी कपड़े पहनना इज़ नॉट ईजी, बट आई एम हैप्पी एक्साइटेड, आई कॉन्ट बिलीव दैट टुडे इज़ माई संगीत माई दी डे, सेकेंड डे ऑफ माई वेडिंग, and tomorrow will be the final day, and I'm waiting for Prince. Where is he? I don't know. So just, I'm just gonna say, Prince, come. Your Prince is waiting. He's coming. He's coming. As always, he's late. See, ladkiyan aaj kal time nahi leti hain taiyar hone mein. He's late. He's somewhere. Tomorrow is the day where I'm really happy. It's a surprise. कल देखिएगा क्या होने वाला है. There is something happening for sure. Tomorrow, finally the day have came. Tomorrow you're going to marriage. Any feeling like a special feeling you're feeling? Oh God. Honestly speaking, कल तक कोई feeling नहीं था, लेकिन अब मैं nervous हो रही हूँ. बहुत nervous हो रही हूँ. It's a different feeling, but it's a beautiful feeling. I'm really happy. ओके, यहाँ पर जो आपने कल बात की थी, जो भी यहाँ पर आने वाले गेस्ट कुछ ना कुछ स्पेशल देने वाले, तो आप प्रिंस के लिए कुछ स्पेशल देने वाले आज स्पेशल? यस, देयर इज समथिंग स्पेशल फॉर हिम टुडे एंड टुमोरो, एंड आई एम रियली 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 एक्साइटेड टू गिव हिम दैट सरप्राइज. आई कांट टेल यू राइट नाउ, बट आई एम देयर इज सो मच टू से, बट जस्ट वेट एंड वॉच. देयर इज अ लॉट, देयर इज अ लॉट. ओके, प्रिंस ने कहा कि जब से आप आए उनके की बदल गई है, स्पेशल इनकी स्टाइलिंग, तो कल के भी आपने जो मॉडल जो भी है कपड़े आपने ही चुने कल के लिए? यस, ही इज माय गाय, आई हैव टू डिसाइड, वी हैव टू मैच, बट टुडे आई हैव नो आइडिया, आई थिंक ही इज गोना गिव मी सरप्राइज, बिकॉज वी हैव नॉट डिसाइडेड फॉर टुडे, बिकॉज वी वर जस्ट सो स्टक अप कुछ शादी के काम में, बट लेट्स सी, आई एम वेटिंग टू सी हिम, आई एम वेटिंग टू सी माय प्रिंस, रियल लाइफ प्रिंस. Yes, you can see my mehndi. Well, abhi tak to I was performing on a dhol. I think jab dhol bajta hai to I get some feeling as if I'm in some different festival altogether. Something happens in me. But I think celebration started now. I'm not gonna stop dancing till my vidai. थैंक यू सो मच गाइज, वंस अगेन आप हमारे सेलिब्रेशन में हमारे साथ हैं, एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, मेरी फैमिली के लिए, जीविका की फैमिली के लिए, और कल हमारी शादी होने वाली है, और आप सब यहाँ पर भी और रिसेप्शन में भी इन्वाइटेड हैं. प्लीज़ गाइज, वहाँ पर आएँ और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और हमें आपकी ब्लेसिंग चाहिए. हमारी नई लाइफ शुरू हो रही है, दो फैमिलीज एक हो रही हैं, और आई लव यू एंड थैंक यू. थैंक यू वंस अगेन. जी आज तो हमारे वैसे ही बहुत हंगामे होने वाले हैं डांस के, ये हम बहुत यू नो भरे हुए हैं अभी डांस के, हमें डांस आ रहा है आज एक्चुअली, हमें एक्चुअली डांस आ रहा है, तो बाकी बहुत सारी परफॉर्मेंस हैं जो कल और रिसेप्शन पे होने वाली हैं, सो वो थोड़े से सरप्राइज हैं. मैंने अभी बिल्कुल नहीं देखा है, और मैं एक्साइटेड हूँ एक्चुअली जाने के लिए. मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, बहुत सारे लोग अभी मेरे फैमिली से पहुँच चुके हैं, आधी फैमिली यहाँ पर है, तो इतने सारे जब लोग निकलते हैं तो लेट हो जाते हैं, बट नीट वर्थ है. आई नो कि वो बिल्कुल लग रही होगी, एंड आई एम एक्साइटेड कि मैं जाऊँ. हाँ, ये मेरे दोस्त रोहित वर्मा ने स्विच किया मेरे लिए आउटफिट, बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट है. मैंने उसे बताया कि मुझे इंडियन पहनना है, तो कुछ अलग सा, एंड ये कलर मैंने कभी पहना नहीं है इससे पहले, सो मैंने बोला कि इस वाइट कलर की याद में जाकर थोड़ा रात को रंगीन बनाए. जी, आप हम पहली जोड़ी एक्चुअली, हमारी जो एक्चुअली शादी कर रही है, और बस ऐसी है कि ये लोगों का जो मिथ था कि रियलिटी शोज में रिश्ते नहीं बनते, वो दूर हो जाएंगे, और इसके बाद कुछ जोड़ी ऐसे निकले और जिनकी भी शादी होगी. सर कहते हैं कि जितना मेरे दूसरे हाथ में नहीं है, एक ही हाथ में है. शेरवा दे. यस, किधर हो सब? और मैं प्यार करता हूं.
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। Made for each other couple. Thank you. Thank you.
है. एक तो सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जोड़ी एक रियलिटी शो से बनी है, जहाँ से लोगों को लगता है कि हर चीज़ फेक होती है, लेकिन दिस इज़ हियर इट इज़ एक रियलिटी शो से शुरू हुई जोड़ी की कहानी. आज शादी हो रही है एंड रिसेंटली मैंने और युविका ने एक शो किया था, जहाँ पे मुझे युविका को जानने का बहुत मौका मिला. शी इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन. जितनी खूबसूरत वो दिखती हैं उतनी खूबसूरत इंसान भी हैं. और मैंने प्रिंस को जितना जाना है वो उन्हीं के थ्रू जाना है. एंड उस पूरे शूट के दौरान हम एक शादी शूट कर रहे थे. सो जब भी हम कुछ करते थे शी यूज़ टू टेल मी कि यार मेरी शादी भी हो रही है 2 महीने में. एंड आई नो दैट शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. सो आई जस्ट वॉन्ट टू विश देम ऑल द बेस्ट. आई नो दे आर गोइंग टू लिव दिस लाइफ हैप्पीली एंड टोटली इन लव. सो येस आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम. See, I get little literal. I think this is Sangeet, so this is like all tabla and everything. This is a kurta from a designer from a Delhi. From a Delhi designer. What am I saying? So yes, and I really like gold and I like bling. So when I get an opportunity where I can wear it, so why not? See, I am not performing a special performance, but I love dance. Punjabi hoon, dil se jaisi music sunta hoon ruk nahi pata hoon. So I am just waiting. Main isi mood se aaya hoon ki jab bhi mauka milega ghus jaunga aur sirf dance karunga aur masti karunga. Acha Vishal, Big Boss kaafi buzz mein hai ki aap us taraf ka boss nahi hai, follow kar rahe ho aur Anup Chalota ke bare mein. For a change, yes. Matlab main bahut dekh raha hoon. And initially jaise har Big Boss ka season hota hai aisa lagta hai ki shayad nahi chalega. लेकिन नाउ इट्स जस्ट पिकिंग अप एंड इट्स डूइंग रियली रियली वेल. एंड कुछ दोस्त इस बार घर में हैं, सृष्टि हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं, केवी बहुत अच्छे दोस्त हैं. एंड अबाउट अनूप जलोटा जी, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम. कोई भी लड़का मुझे लगता नहीं उनको कुछ करेगा, बिकॉज ही इज़ एन आईकॉन नाउ एंड ही इज़ एन इंस्पिरेशन. बट येस, बट जो सुना गया था और जैसा लगा था कि होगा बिल्कुल नहीं है. उन्होंने बहुत डिग्निटी से सब वहाँ पर किया है. बहुत चाहे वो एज के हिसाब से बातें करना हो, चाहे वो सबसे सबके साथ रहना हो. सो आई थिंक ही इज़ बीन हैंडलिंग इट रियली रियली वेल. सो आई एम हैप्पी फॉर अनूप जी एंड आई एम बिट जेलस ऑल्सो, बिकॉज अनूप जी की 3 शादियाँ और अब जसलीन एंड आई एम स्टिल सिंगल, सो व्हाट्स द पॉइंट. पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ के लिए हर एक का अपना एक डिफरेंट ओपिनियन होता है. मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि ऑफ कोर्स नॉट इन दिस इंडस्ट्री ओनली, बट हर जगह पे ये सब चीज़ें होती हैं. और आई थिंक आप जब इस चीज़ से गुजर रहे हैं, मतलब एक लड़कियों के मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही बुरा आप फील करती होंगी, तो आप तुरंत उस चीज़ पर एक्शन लीजिए. जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स एक रास्ता है कानून का, उसको लेने का डेफिनेटली वो लेना चाहिए, और जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए. बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि लड़कों के लिए भी एक ये चीज़ होनी चाहिए जहाँ पर उनका पक्ष भी सुना जाए या चीज़ दी जाए. उनको सीधा मीडिया में नाम अनाउंस करके एकदम से उस कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए. सो येस, आई थिंक दोनों तरफ से साइड हैं. और मैं कई बार मानता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो लड़कियाँ जेन्युइनली जो इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं उनको सही मौका नहीं मिलता सामने आने का, और ये और दूसरी तरफ लड़कों को ये मौका नहीं मिलता सफाई देने का. सो वो होना चाहिए. बट डेफिनेटली आई सपोर्ट दिस मी टू थिंग. एंड जिन्होंने भी गलत किया है दे शुड डेफिनेटली गेट पनिश्ड. थैंक यू वेरी मच. Because she just sent some options and I really love the yellow, so that's why. Yeah.
एक्चुअली ये जो नया सीजन है मैं आई वॉज बिजी आई हैवन वॉच एनीथिंग बट आई हियर इज वेरी सिमिलर टू आवर सीजन एंड आई विश ऑल ऑफ देम वेरी गुड लक. Exclusively for Prince and Yuvika tonight. Acha, if they ask me, sure. I'm here to do whatever Prince and Yuvika are gonna ask me to do. Yeah. Also, yes. Follow the current trend. The Me Too thing is trending a lot, and every woman is coming out, talking about the agony. What do you have to say about it? I actually have interviews tomorrow at 4 p.m. and I'm gonna be talking about it tomorrow. But all I want to say, it's a great time in India, and I'm really happy that a lot of women are coming and talking about it, because it's something which has been there for so many years, and finally it's time in India that people are talking about it. And it's not only about Bollywood, and I think being a woman, it's very difficult in any kind of industry, and it's great that women are talking about it. Yeah. All right, thank you so much. Thank you so much. Prince has got such a nice girl, and we are all lucky that our bhabhi is Yuvika, and very excited, and they're so cute together. So we're really excited, and now we're going to party, we're going to dance for the Sangeet. So tell us, what are your plans? I'm going to go in naturally. Because ye hamare dil ke bahut kareeb aur inke sath Prince ke sath main kafi time spend karta hu ek saal mein. तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्लान किया है,
और सब सरप्राइज होगा, होपफुली शॉक नहीं होना चाहिए, बट सरप्राइज होगा फॉर यूविका। जब यूविका और प्रिंस को नहीं पता था उन दोनों के बारे में, तब मुझे पता चल चुका था। सो एंड यू नो व्हेन प्रिंस वाज टॉकिंग अबाउट यूविका, जब उसको खुद बात कर रहा था उसके बारे में, तभी हम लोगों को, मेरी वाइफ को, प्रियंका और मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये लड़की और प्रिंस जिस हिसाब से उसके बारे में बात कर रहा है, दे विल एंड अप टुगेदर, और सिर्फ ये कुछ टाइम का नहीं है, दे विल मैरी ईच अदर, उस हिसाब से वो बात कर रहा है। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि हमारी जो विजन थी इट्स ट्रू। आजकल लुक हमारा तो नॉर्मल है, इसका लुक देखो। Thank you so much. Actually, I always wanted to wear something like this, and I always wanted to wear something like this. And dressing up is the first thing wherever I go. So I think I've made it nice now. Also, Big Boss is in last year. Big Boss maybe getting this season follow kar rahe hain aap log. What do you think? This year the season is going well. This year the season is going well. Thode kam kapde, that is better. You were there, Surbhi Rana is in Big Boss. Yes. I am not watching the show, but best of luck to her. She somehow survived on roadies. Uski jo personality thi, uski wajah se bahut problems hui. But at the end of the day, Neha ke gang mein thi, and Neha's gang won. So I don't know whether it worked or not, but I just wish her best of luck. Yeah. Aur mujhe logo ne bola ki kafi visportak uski entry thi wapas. So best of luck to her. That's all we can do. We can wish her the best. रोडीज में बेसिकली जब तक आप परफॉर्म करोगे और अगर आपके पास इम्यूनिटी रहेगी तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, एंड उसके ऊपर से यू हैव अ गैंग लीडर जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा। पर हाँ, उनके गैंग के अंदर अगर अनबन हो रही थी बिकॉज ऑफ दैट दैट मी हाउ टू एबल टू टेल यू, बट नॉट रोडीज में ऐसा ज़्यादा लोग डर नहीं रहते। Women who are talking about it, people are saying, "Ab kyun? Why now?" I think whatever time a woman can come up and talk, we should listen to her, we should support her. But before you, what's happening right now is that a lot of guys have become very defensive. Instead, let a talk happen, let people discuss what's going on so that the right thing comes up. Right? Sirf ye nahi ki aap bas logo par. So it's a good time, we should support. अगर आपके friend circle में आप किसी को जानते हैं और ऐसा हुआ है, if you can encourage them and just support them, because you know whenever it's happened, 8 साल, 10 साल, जितने साल पहले भी, it's always traumatic. ऐसा नहीं होता है कि अगर fresh हो तो traumatic होता है. Whenever it happens, it's traumatic. So try to understand what that person's gone through. Try to listen to that person and don't be too hasty about tweeting. Like everybody is like trying to tweet first. बट पहले उस लड़की की कोई बात तो सुन लो, बिकॉज दैट्स व्हाट दे वांट टू डू, दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, दे वांट पीपल टू लिसन, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं कर दूँ जल्दी से, मैं भी बात कर दूँ इसके बाद, सो जस्ट दैट एंड होपफुली दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल नॉट हैपन टू वुमेन आफ्टर मेन अंडरस्टैंड दैट दे कांट डू दिस एनीमोर। दैट्स भैया और भाभी की
शादी है कल और आज संगीत है, सो यू नो इट्स गोना बी ग्रेट फन। एंड ऐसा बहुत कम मिलता है बॉम्बे में हमें सबको एक साथ आके सेलिब्रेट करने का, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द टाइम्स आई एम जस्ट ओवर हियर टू सेलिब्रेट। एंड थोड़ा कम टाइम मिलता है कि हम स्ट्रेस से थोड़ा दूर जाएं, यू नो दिस इज लाइक अ फैमिली इंडस्ट्री, बहुत एक छोटी है और हम मिलते हैं बहुत कभी कभी स्पेशली ऐसे ओकेजन में, सो आई एम रियली एक्साइटेड। फॉर लुक ऑफ द डे इट्स लाइक सिंस आई लव फॉर्मल्स, बट when it comes to Indian culture and in Indian weddings, desi se badhiya kuch nahi, so you know I always carry desi, so that's how it is, this is my thing, I'm trying to go for little traditional and Indian, thoda sa modernize bhi hai, so that's my look of the day, that's it. main apna haath tudwa ke baitha hu aur apni taang bhi aajkal because of life I've been really unwell, but definitely main balle balle to kar hi sakta hu, that's what I've been saying, so that's what I've been doing for sure. सर मैं इतना काम कर रहा हूँ ना, थैंक्स टू बिग बॉस 11 हमें इतने द्वार खोल दिए कि हम इतना काम कर पा रहे हैं कि मैं बिग बॉस 12 देख ही नहीं पा रहा हूँ, बट इट्स ओके, लाइक मैं थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस में सुनता रहता हूँ अबाउट बिग बॉस, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे जाते तो थोड़ा सा ट्रेलर्स देखता रहता हूँ कि आज क्या हो रहा है, अनूप जी घर छोड़ के चले गए, श्रीशांत लेफ्ट द हाउस, सर वी कीप वॉचिंग ऑल ऑफ दैट, सो यार दैट्स ऑल। coming out, a few people are not liking it also, ke wo unko tab bolna chahiye tha, I've got to know about this also, but I think why not, few people like har koi ek jaisa nahi hota, kuch log thoda sa stress mein hote hain, kuch time baad aake bolte hain, I think they justice should win, and I'm really glad that you know industry ke bare mein jitne bhi dirty cheeze ho rahi hai ki samne aa rahi hai, main ye batana chahta hu industry aise hai इंडस्ट्री ऐसी है नहीं बेसिकली, एंड पीपल शुड गेट टू नो दैट ऑल्सो, सो दैट्स हाउ इट इज, थैंक यू। आप लोग जाने दोगे तो ही कुछ कर पाऊंगा ना जाके अंदर, वी वेरी एक्साइटेड, वी हैव बीन हियरिंग अबाउट दिस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड फाइनली इट्स हियर, planning for this is amazing, so very very excited, very happy for the couple, and we are here to give them their wishes, sorry hum UV Pop basically bahut khush hain, we are here to give them our wishes, and we are here to have a lot of fun basically, and now I will exit, bye bye, we want to open it, oh yes, it is my birthday today, so thank you so much, thank you so much, it is gets a free party, I got a free party, yes. मैं बहुत सस्ते में छोड़ दिया हूँ, ये अनुषा का लुक है, मेरे को इतना पता कि बहुत सुंदर लग रही है, बस उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा, I'm wearing something, it's not from here, it's, I got a gift, मैं तो बिल्कुल चलो जा रहे हैं बाय बाय। मेरे भाई की शादी और मेरी भाभी की शादी, दोनों तरफ से मैं गुलदस्ता साथ आया हूँ इनको लेकर, जी ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और मैंने कहा और प्रिंस भाई की और युविका की भी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैंने कहा साथ में जाके संगीत का जश्न, जी सुगंधा सूद जो मेरी वन एंड ओनली डिज़ाइनर है उनका कमाल है, और बस उन्होंने बोला गुलदस्ता बन के चले जाओ, मैंने कहा ठीक है, बिग बॉस देख रहा हूँ कभी कभी, ये देखती हैं, लेकिन अतरंगी जोड़ियाँ हैं, बोरा साहब अच्छे लगते हैं मुझे, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही जैसे उनको थोड़ा दिमाग से चलना चाहिए वो चलते हैं, और एक विचित्र जोड़ी है जलोटा साहब की, मीरा हो गई मगन तो बहुत ही मगन में पड़ा है, बहुत बढ़िया, आई थिंक इस अच्छी चीज़ है, फ़ायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है, बस अच्छा, कल को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, मैंने लेट के जो नागिन सांप बनता ना मैंने वो बनना है।